हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर होस्ट और मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बाइक में किसी किसी में एयर ऑयल फिल्टर होता है उसका क्या काम होता है। हम कई बार सोचते हैं कि जो ऑयल फिल्टर है, हमें ऐसा तो पता है कि वो ऑयल को फिल्टर करता है, लेकिन किस तरह से वो फिल्टर करता है ये मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ऑयल फिल्टर सभी बाइक्स में नहीं होता, ये किसी किसी बाइक में होता है, जैसे बजाज की है या फिर अपाचे वगैरह जो TVS की कुछ आ रही हैं बाइक, उनमें भी एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर जो लगा होता है। तो आज मैं उसकी वर्किंग का आपको बताऊंगा, वो भी लाइव डेमो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल फिल्टर का जो कैप है उसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ऑयल फिल्टर को मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ अभी। तो ये देखिए ऑयल फिल्टर बाहर निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑयल का फिल्टर है ये काफ़ी गंदा हो चुका है, इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह जो इंजन से निकल के आती हैं वो इसमें जम चुकी हैं। तो ये ऑयल फिल्टर होता है, ये इसकी जो गत्ते वाली जो मैश होती है इसके ज़रिए ऑयल जो है फिल्टर होता है, और जो बीच वाला ये है इसके ज़रिए जो इंजन में दोबारा से एंटर करता है इंजन ऑयल। तो इसकी मैं वर्किंग आपको पूरी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो चैम्बर है उसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इसको मैं एक कपड़े की मदद से ऐसे क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरह से। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी यहाँ पर आपको दो सुराख दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको सबसे पहले मैं ऐसे क्लीन कर लेता हूँ। अभी मैं किक मार के आपको बताता हूँ कि इंजन ऑयल कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है। तो ये देखिए मैंने किक मार रहा हूँ अभी मैं किक, तो जो इंजन ऑयल है वो आगे वाले जो सुराख से आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आगे वाले सुराख से जो इंजन ऑयल आता है वो पूरे चैम्बर में भर जाता है, तो ऑयल फिल्टर उसको फिल्टर करके बीच वाले सुराख से जो है वापस इंजन में भेज देता है। तो ये काम होता है अपने ऑयल फिल्टर का। तो ऑयल फिल्टर को आपको हर दूसरी सर्विस पे चेंज करवाना होता है, ये आपकी बाइक के लिए सबसे अच्छा है अगर आप दूसरी सर्विस से इसको जो है चेंज करवा लेते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है जी, 25-30 रुपए का मिल जाता है मार्केट से। तो अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार करके कि देखिए जैसे मैं किक मार रहा हूँ तो आगे वाला जो सुराख है उससे जो इंजन ऑयल निकलता है, और वो जब ऑयल निकलता है तो वो इसकी मैश पे पड़ता है ऑयल फिल्टर की, और जब चैम्बर भर जाता है तो इस सुराख के ज़रिए ये निकल जाता है और फिर से इंजन में चला जाता है। तो ऐसे आपका जो ऑयल फिल्टर है वो काम करता है। तो अभी इसका जो ऑयल फिल्टर है वो अभी ख़राब हो चुका है तो मुझे नया लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ ही जब हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो हम इसको नया लगा देंगे, लेकिन आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका जो चैम्बर है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। तो इसको आप पेट्रोल वगैरह की मदद से अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लीजिए। तो ये ऑयल फिल्टर अभी मेरे को मार्केट से 25 रुपये का पड़ा है, तो ये बहुत सस्ता होता है, आप इसे हर दूसरी सर्विस पे चेंज करवा ही लीजिए। तो अभी मैं इसको अभी लगाऊंगा। तो अभी इसका जो ये जहाँ पर ये रबड़ लगी है तो ये वाला हिस्सा हम अंदर की साइड पे रखेंगे, और जो स्प्रिंग वाला साइड है उसको बाहर की साइड रखेंगे। तो जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है रबड़ में जाएगा। तो ऐसे आप इसको इंसर्ट करके
इसका जो चैम्बर है उसको आप बंद कर दीजिए। तो जो इसका जो स्प्रिंग लगा होता है उसकी वजह से थोड़ा सा ये चैम्बर है इसको आपको धकेल के ऐसे थोड़ा टाइट करना पड़ता है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि ऐसे की फिट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही फिट किया जाता है, थोड़ा सा ऐसे धकेल के आप इसके जो तीनों नट है उसको हम लगा देंगे। तो अभी बस हम इसको जो तीनों नट है इसके उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। 8 नंबर की टी गोटी से इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो इतना ही था ये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करना। और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।